मसीह सदाबट आएगा, मैं नहीं कह रहा नहीं आएगा, किस लिए आएगा? इसलिए आएगा कलीसिया को साफ करने के लिए आएगा। गेहूं फटकते हैं ना, किसको कहा था पतरस को ना कि वो समय आ रहा है कि गेहूं फटका जाएगा ना, इसलिए प्रोसिक्यूशन आता है। प्रोसिक्यूशन क्यों आता है, सदाबट क्यों आएगा? आते के दिनों में भी तो एक साइन था ना कि सदाबट होगा। सदाबट इसलिए आएगा ताकि गेहूं और भूसा दोनों, और वो बिना सदाबट के, अरे बिना गेहूं को मारे कैसे गेहूं निकालोगे? धान को बोलो धान निकलो, काट के लाके घर में क्या करते आप? बिना धान पटके, बिना पीटे आप अलग कर सकते दोनों को? तो ठीक, परमेश्वर के राज्य में भी ऐसे ही होगा। दो झापड़ नहीं मारा, पुराना वाला याद आ जाता है, नाम नहीं ले रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। दो झापड़ खा के, दो झापड़ में प्रभु भूल जाते हैं वो, दो झापड़ में ही प्रभु को भूल गए, दूसरा वाला उठा के, अब बोलो तुम बोलो। हाँ सर, अब आपको लगता है ये सब जाएंगे? तो इसलिए पटकना ज़रूरी है, मारना ज़रूरी है, प्रोसिक्यूशन ज़रूरी है। और प्रोसिक्यूशन इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रभु के लोग एक तरफ हो जाएं और वापस गुणगान करने वाले, कथावाचक वाले एक साइड हो जाएं। ऐसे लोग नहीं चाहिए प्रभु को, आप समझ रहे मेरी बात को? सो प्रोसिक्यूशन ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, और ये परमेश्वर की आज्ञा से ही ज़रूरी है। परमेश्वर की आज्ञा है, ये प्रोफेसी है, ये भविष्यवाणी है, इसको बदल नहीं सकते आप। वचन में साफ लिखा है ऐसा परसिक्यूशन होगा, मतलब सबसे पहले लिखा गया कुछ भी चिन्ह होने से पहले परसिक्यूशन होगा, सदाबट होगा, मसीह लोगों को सताया जाएगा, मसीह लोगों को सताया जाएगा ताकि बहरूपीय एक तरफ हो जाए, बहरूपीय एक तरफ हो जाए, और जो ओरिजिनल है, जो सच्चे हैं, वो एक तरफ हो जाए, और ये ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में प्रॉफिट्स होना बहुत ज़रूरी है, भविष्यवक्ता होना ज़रूरी है। एक भविष्यवक्ता का क्वालिटी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे एक एक स्टेप हैं कि भविष्यवक्ता कौन है, भविष्यवक्ता का गुण क्या है। उसमें से एक चीज़ मैं खाली अभी बता रहा हूँ आपको, वो है शेर के समान निडर होता है। भविष्यवक्ता कैसे होता है? डरपोक नहीं होता, क्या होता है? ये राजाओं का सामना करते, किसका? आपने देखा पुराने नियम में सारे भविष्यवक्ताओं को राजा के सामने भी शेर के समान खड़े होके परमेश्वर के, मतलब ऐसा बोलते थे मानो किसकी आवाज है? आमेन। डरपोक की तरह नहीं, ये पहला गुण है। ये क्या गुण है? एक भविष्यवक्ता का गुण है ये, वो निडर होगा। और अंत के दिनों में कैसे लोग चाहिए? निडर, डरपोक नहीं, डरपोक लोग नहीं चाहिए। हालेलुया। ये गांव का, समाज का, परिवार का, परिवार का, सरकार का डर से, कहाँ डर से छिप जाए। छिपना गलत नहीं है, बट इनकार नहीं करना है, ठीक है? तो ये सीज़न है इस समय, आप समझ जाएं। परमेश्वर आपके अंदर इस चीज़ को पैदा करना चाहता है, और ये बिना पवित्र आत्मा के नहीं होगा और बिना गिफ्ट के नहीं होगा, ठीक है? अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दो जो इससे थोड़ा बाहर है। सो वरदान, ये सीज़न क्या है? वरदान का सीज़न है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा खतरा है। क्या खतरा है? ये आपके अंदर घमंड पैदा कर सकता है, ये खतरा है इसका। आप मानो चाहे ना मानो, सारे गिफ्ट में ऑपरेट होने वाले घमंडी होते हैं। आप देखना कभी भी ट्राई करके, हम तो देख कर आए हैं। वरदान का एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ये घमंड। वो प्रोफेसी करने लगते हैं, अंदर क्या आ जाता है? घमंड। कोई बड़ा चंगाई हो गया तो क्या आने लगता है? साधारण शर्ट पैंट छोड़कर दूसरा कुछ आ गया, हाँ भाई अब तो भाई, समझे आप? तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, कि इसके द्वारा क्या आ जाता है? एक घमंड आ जाता है। इसलिए इससे बचने के लिए जब पौलुस ने वरदान की, वरदानों के विषय में शुरू किया ना टॉपिक, उससे पहले उसने इलाज दे दिया। इलाज क्या है? पहला कुरिन्थी 14:1 में इलाज है। वरदानों की सूची या वरदानों के विषय में एक्सप्लेन करने से पहले उसने इलाज दे दिया। इलाज क्या है? प्रेम का, बस इतना ही। प्रेम का क्या करो?
अनुकरण का मतलब क्या होता है? पीछा, फॉलो करना, प्रेम को फॉलो करना, नहीं छोड़ना है, मतलब प्रेम का स्वभाव नहीं छोड़ना है। आप कहीं भी जाओ, किधर भी पहुंचो, वरदान हो, अभिषेक हो, रलम हो, जाओ कहीं भी जाओ, लेकिन इसको नहीं छोड़ना। आमेन, हालेलुया। जितना भी बड़ा हीरो बन जाओ, क्या मत छोड़ो? प्रेम। जितना भी आप अच्छा भविष्यवाणी करना जानो, जितना भी आप वरदानों से भर जाओ, प्रेम नहीं छोड़ना। आमेन, हालेलुया। प्रेम क्या है? विश्वासी देर से आए, देर से आ रहे हैं, अगर पास्टर जल्दी आ गया तो झाड़ू उठाने से खिचकिचाना नहीं है, वो प्रेम का स्वभाव। मैं कुछ हूँ करके नहीं, मेरा तो अभी समय ख़त्म हो गया भैया, हम तो बहुत कर चुके हैं। नहीं, लास्ट टाइम पास्टर शरद के फैमिलीज आए थे, है ना, हमने उनसे आदर के साथ, हमारे बीच में थे, और फिर हम आदर के साथ उनका अतिथि सत्कार भी किए, अच्छे से घर में खाना पका कर उनको खिलाए भी हमने। तो अतिथि सत्कार करना हमारे अंदर क्या है? वो प्रेम भावना है, तो ये चीज़ रहना चाहिए। यानी कि सेवक कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं, सेवक सब कर सकता है, एक सेवक सब कुछ कर सकता है, उसके अंदर सारा गुण रहना चाहिए। आमेन। इसलिए प्रेम का स्वभाव नहीं छोड़ना है, प्रेम का पीछा करना नहीं छोड़ना है। आमेन। चाहे वरदानों में कहीं भी प्रभु आपको लेकर जाए, हालेलुया। ये सब चीज़ें हैं, मैं मिक्सअप करके बोल रहा हूँ सारा चीज़। एक गुण आपको बताया कि वो निडर होना चाहिए, और एक डिसएडवांटेज जो है, नुकसानदायक जो चीज़ है, वो है घमंड। ठीक है, इन सारी चीज़ों से हमें बचना भी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। आमेन। हम कहाँ से कहाँ पर आए हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो कई बार क्या प्रॉब्लम होता है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ इसके साथ, गुण के साथ, निडरता के साथ मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, वो है पिता। एक अच्छा भविष्यवक्ता का गुण क्या होता है? एक पिता के समान होता है। ठीक है, एक अच्छा भविष्यवक्ता एक अच्छा पिता होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको क्यों इसको ऐड कर रहा हूँ, सुनिए। अगर एक भविष्यवक्ता को कुछ ऐसा सीक्रेट रिवील होता है ना, कुछ सीक्रेट रिवील हो रहा है, तो वो कभी भी एक्सपोज नहीं करेगा खुलेआम। एक पिता के समान, जैसा कोई, ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा कोई पिता अपने बेटी के नंगाई को ढांपता है, ध्यान से सुनना, जैसा कोई पिता अपने बेटी के नंगाई को ढकता है, वैसे एक भविष्यवक्ता ढकता है। एक भविष्यवक्ता कभी किसी को नंगा नहीं करेगा। अगर मैंने किसी के अंदर गलत देख लिया है, मैं जानता हूँ कि ये सुधरेगा, पर मुझे उसको एक्सपोज नहीं करना है। ये किसका काम है? ये शैतान का काम है। दोष लगाने वाला कौन है? तो अच्छा एक भविष्यवक्ता एक अच्छा पिता होता है, ये सीक्रेट रिवील करता है, लेकिन कैसे करेगा? अगर मुझे साकी से कुछ है, प्रभु देखो मुझे, भैया प्रभु ने मुझे ऐसा दिखाया आपके लिए, हाँ, लेकिन आजकल ऐसा होता है नहीं? होता है ऐसा, आजकल भविष्यवक्ता पब्लिकली नंगा करते हैं विश्वासियों को, पब्लिकली, वो भी YouTube में खुलेआम होता है आजकल। तो ये वरदान है, लेकिन उसका मिसयूज आप कर सकते हो। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत ही बेसिक चीज़ें। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा उसको नॉक नहीं कर रहा, भी ऐसा नहीं करना है, पर पब्लिसिटी भी तो चाहिए ना, तो ये गलत है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए मैं आपको, फल खाने का, फल जो है खाओ, फल भी दे रहा हूँ, लेकिन इसका अच्छा और भला दोनों गुण बता रहा हूँ, है ना। ये सोचो आदम के फल की तरह है, उसमें दोनों गुण हैं, भला और बुरा दोनों गुण हैं। वरदान अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ बुराई भी है। क्या बुराई है? ये आपको बुरा बना सकती है अगर आप इसको मिसयूज करोगे तो। पैसा बुरा है क्या? लेकिन लालच तो सेम चीज़ यहाँ पर है, वरदानों में भी आता है। गिफ्ट बुरा नहीं है, मिसयूज करना, व्यापार बनाना बुरा। मैं और मेरी पत्नी एक बार एक प्रॉफिटिंग मीटिंग में गए थे, बहुत साल पहले, तब हमें ये सब कुछ पता नहीं था, ये क्या कुछ भी नहीं पता था, हमें खाली ताली मारना आता था। तो हम एक मीटिंग में गए, और मीटिंग में जाने के बाद एक वहाँ पर कोई प्रॉफिट आए थे नाइजीरिया से, तो वो किसी के लिए, सबको बोला प्रार्थना करने के लिए, लेकिन वहाँ पर प्रार्थना उनके लिए ही करेंगे जो पैसा देगा वहाँ पर, अदरवाइज आप सामने नहीं आ सकते थे।
तो हम लोग भी बड़े ईमानदार थे, जेब टटोला कितना है तो सबका अलग अलग था। तो हम वहाँ पर सामने ऑफरिंग लगा हुआ था, वहाँ पर लोगों ने पैसा दिया, उसके बाद पास्टर ने जाके हाथ रखा। बहुत गिफ्टेड व्यक्ति थे वो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि हम वरदान को व्यापार ना बनाए। तो ये सब प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, कई बार जब आप भविष्यवाणी करेंगे कुछ चीज़ें आप अपने मन से स्ट्रगल कर सकते हैं। मतलब कुछ चीज़ें भविष्यवाणी में क्या होता है, लाइक ये या शुरुआती मैं बता रहा हूँ, जो शुरुआत में जो आप करेंगे तब आपका भविष्यवाणी 50-50 हो सकता है, लेकिन ये अनुभव के साथ बाद में 100% हो जाएगा, मतलब क्लियर क्रिस्टल होगा आपका भविष्यवाणी। लेकिन शुरू में 50-50 हो सकता है। कुछ चीज़ें आपको प्रभु बताएगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपका मन उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। मन बोलेगा ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? जबकि प्रभु आपको बता रहे हैं लेकिन आप उसका इनकार कर रहे हो। जब आप उसका इनकार करते हो तब जाके ये क्या हो जाता है, 50-50। लेकिन जब आप जो सुनते हैं और वही बोलते हैं तब जाके क्लियर क्रिस्टल होता है। तो ये अनुभव है। क्या है ये अनुभव? एक जैसा बच्चा एक बार में चलना सीखता है क्या, कि अगले दिन सुबह उठा आयो बाबा हट हम तो चलेगा आज, ऐसा है क्या? दो साल में छाती खोल के चल पाता है कि एक साल में बच्चा? तो सेम चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी सेम चीज़ है। जब आप प्रॉफिटिंग में मूव होंगे, शिफ्ट होंगे, तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। गिरते उठते गलती करके आप क्या हो जाएगा, आपका क्लियर क्रिस्टल होगा। लेकिन गलती यहाँ पर क्या होता, हमारा माइंड गलती करते हैं यहाँ पर। हाँ, परमेश्वर गलती नहीं कर रहा है, लेकिन आप रिसीवर हो ना, आपको रिसीव करके देना है ना। तो आप जब रिसीव करते हो तब अपना घोटाला डाल देते हो कि नहीं ये ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 60 साल का स्त्री है, उसका 60 साल हो गया, जैसे भैया ने कहा 17 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ, अब 60 साल का हो गया वो, मतलब सोचिए कि 50, मतलब 60 साल में वो प्रभु में आया। ध्यान से सुनिए, 60 साल तक वो क्या थी, बांझ थी, और 60 साल की उम्र में ही वो प्रभु में आ गई। अब जो उसने मिरेकल सुना हमारे बीच में कि प्रभु चमत्कार करते, सारा को उसने दिया, एलिशिवा को दिया, है ना, सबको दिया, उसको भी आत्मा आ गया, हाँ भाई मुझे भी बच्चा चाहिए। तो आप उसके लिए भविष्यवाणी करोगे, प्रार्थना करोगे, तो आपका मन पहले क्या बोलेगा, बोलिए नहीं होगा, पवित्र आत्मा बोल रहा होगा, इसके लिए हाथ रख, इसको भविष्यवाणी कर, बोल होगा। लेकिन आपके मुंह से वो शब्द, आपको अपमान का डर है। किसका डर है? अपमान का डर है। मैं कैसे कर सकता हूँ? आप समझ रहे हो, प्रॉब्लम यहाँ पर होता है प्रोफेसी में। आपका माइंड स्ट्रगल करता है, माइंड जो है वो बाधा डालता है परमेश्वर की आवाज़ को, क्या कर देता है, परमेश्वर की आवाज़ में अपना आवाज़ नहीं मिलाना है, कभी भी नहीं मिलाना। इसलिए परमेश्वर ने बोला, बोलो हो जाएगा, दैट्स इट। आमेन आमेन। तो ये सब चीज़ें अनुभव करते करते आप और परिपक्व बन जाएंगे और सिद्ध बनेंगे। आमेन। सो ध्यान देना, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था भविष्यवक्ता अलग चीज़ है। भविष्यवक्ता कौन है? एक बुलाहट है। भविष्यवाणी करना क्या है? एक गिफ्ट है। तो अभी ये समझ जो है वो भविष्यवाणी में प्रभु आपको गिफ्ट में ऑपरेट करेगा। लेकिन ये सब चीज़ें हैं, इसको आपको गौर करना है, और ज़रूर आप 1 कुरिन्थी 14 को बार बार पढ़ें, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल्स के साथ लिखी हुई हैं। और पहला चीज़ ये, पहले क्या पढ़ना है आपको, 1 कुरिन्थी 14 अध्याय पढ़ना है, और दूसरा आपको क्या काम करना है वो है, जितने भी नबी हैं, नबी जो है, जितने भी भविष्यवक्ता हैं, उनका लाइफ स्टडी करना है। क्या करना है? भविष्यवक्ताओं का लाइफ स्टडी करना है कि उनका जीवन कैसा है। आमेन। से दो चीज़ें आपके लिए टिप्स हैं, आप इसको व्यक्तिगत वो कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, हमने देखा पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में उनको कहा जाता था सुधारक। क्या कहा जाता था? सुधारक। एक भविष्यवक्ता एक क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो है आपका यूहन्ना बपतिस्मा दाता, ये कौन थे? एक अच्छे सुधारक। ठीक है, सो इन्होंने क्या सुधार किया था, राजा को भी सुधार दिया इन्होंने,
राजा को सुधारने के चक्कर में क्या गया उनका? अरे गर्दन गया। राजा को सुधारने के चक्कर में क्या गया? तो अपनी गर्दन की चिंता, अभी गर्दन तो नहीं जाएगा, अभी तो सीधा जेल में डाला जाएगा। लेकिन वैसे प्रधानमंत्री के सामने खड़ा भी तो होना है ना पहले जाकर। हाँ, तो इसने किसको सुधारा था? हेरोदेस के पास गया, उसने बोला तो अपने भाई की पत्नी को रखता है, और यही बात उसको बुरी लगी, उसके पत्नी को बुरी लगी, और फिर उसने क्या किया, उसके गर्दन को कटवा दिया। तो एक अच्छा भविष्यवक्ता एक निडर व्यक्ति होता है, राजा से भी नहीं डरता। शैतान तो बहुत दूर की बात है, किसी से नहीं डरता, बेखौफ, बेधड़क। आमीन। एक भविष्यवक्ता कैसा होता है? हमने देखा निडर, बेखौफ, निडर होता है। आमीन। सिर्फ किससे डरता है? उसको छोड़ कोई राजा हो, हिटलर हो, किसी से नहीं डरता। आमीन। ना मौत के, ना तलवार से डरता है, ना फांसी से डरता है, ना जेल से डरता है, ना युद्ध से डरता है, ना अकाल से डरता है, किसी चीज़ से नहीं डरता है। डरता है तो सिर्फ उसे क्या कहते हैं? भविष्यवक्ता। आमीन। 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 हालेलुया। तो इसलिए एक अच्छा भविष्यवक्ता क्या होता है? एक सुधारक होता है। आमीन। एक सुधारक होता है। तो इसलिए इस क्षेत्र में आना आसान काम तो बिल्कुल भी आसान है। सोचिए, जो प्राण है, प्राण को हथेली में रखकर आगे बढ़ना है। मतलब एक भविष्यवक्ता सोचो कि आप मर चुके हो, सोचो कि आप मर चुके हो, जिंदा होते से प्रभु के लिए उसकी आवाज़ बन के जहाँ भी जाना उसकी आवाज़ बन के जाना है। तब सोचिए आप मर चुके हो। आमीन। आपका पुनरुत्थान भी हो चुका है, बस। हालेलुया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आज ट्रेनिंग नहीं हो रहा है कुछ, बट हम आपको ट्रेनिंग बना, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर ही है। आमीन। हाँ, किसी को पता है बाइबल का सबसे पहला भविष्यवक्ता कौन है? उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला भविष्यवक्ता कौन है? परमेश्वर ना, वो परमेश्वर काउंट। हाँ भैया, मूसा नहीं, आनु कौन? दोबारा बोलिए। हनोक। हनोक, बहुत सही, हनोक है। पहला भविष्यवक्ता कौन है? हनोक। लेकिन हनोक को कई लोग ऐड नहीं करते हैं, अब्राम को ऐड करते हैं। अब्राम को ऐड करते अधिकतर लोग, लेकिन मैं हनोक के साथ हूँ, ठीक है। अगर बाइबल में देखा जाए तो पहला भविष्यवक्ता हनोक है, जिसने दूसरे आगमन की घोषणा की थी, और वो हमें मिलता है जाकर शायद बुक ऑफ जूड में या फिर सेकंड पीटर में। तो इसलिए अब्राम को हम देखते हैं, जबकि एक आम आदमी था ना, देखा आपने अब्राम को, फिर भी उसको परमेश्वर ने क्या बोला, ये मेरा नबी है। तो इसलिए परमेश्वर का भक्त एक अच्छा नबी है। आमीन। एक भक्त व्यक्ति, एक भक्त स्त्री या एक भक्त व्यक्ति अच्छा नबी होता है। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए याद करें, ये कोई बहुत बड़ा वो चीज़ नहीं, आप मत सोचिए कि भाई हम कैसे भविष्यवाणी करेंगे, क्या करेंगे, नहीं, ये आपका काम नहीं है। आपके मन में प्रभु क्या डालता है उसको बोलना है, बस उसको क्या करना है, घोषणा करना है। तो आप याद करें एक चीज़, और मैं और ऐड करता हूँ आपके लिए, घोषणा करना भविष्यवाणी करना है। भविष्यवाणी करना है, ठीक है। क्या करना? ध्यान देना, घोषणा करना। चाहे आप घोषणा सरकार के लिए करें, मौसम के लिए करें, परिवार के लिए करें, अपने घर के ऊपर करें, जो भी कुछ आप घोषणा करते हैं वो होगा ही। आमीन। तो आप मुझे बताइए, इस रीति से क्या भविष्यवाणी नहीं करते हैं? आप हर सप्ताह भविष्यवाणी करते हैं, हर संगति में भविष्यवाणी करते हैं, नहीं करते हैं? आप सब करते हैं, लेकिन आपको टैग चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए क्या? सर्टिफिकेट के लिए वेट कर रहे हैं कि जब तक कोई पास्टर 1 किलो तेल नहीं डालेगा आपके सिर पर, हाथ नहीं रखेगा, आज से मैं तुझे भविष्यवक्ता के रूप में, वो दिन चला गया है। अभी हर एक विश्वासी को प्रभु एक नबी के रूप में एक भविष्यवाणी का दान देकर उसको खड़ा कर रहा है। दैट्स इट। आमीन।
प्रेरित 19 में 12 लोग थे, 12 विश्वासी बैठे हुए थे। पौलुस घूमते 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 इफिसस नगर में गया, प्रेरित 19 में। जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना, बपतिस्मा लिया, पौलुस ने हाथ रखा, वो क्या करने लगे? अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। और सब मिलाकर कितने थे? 12। क्या 12 में से 10 या 5 को भविष्यवाणी करने का वरदान मिला? परंतु क्या करने लगे? सब। और हम ये भी देखते हैं कि प्रेरित 2:17 क्या कहता है कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर, अगर आत्मा उंडेलेगा तो मैंने कहा आपका लीगल राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है, क्या करना? भविष्यवाणी करना। इसके लिए सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वचन ने सर्टिफिकेट दे दिया है, वचन ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि मेरे लोग नबी कहलाएंगे। आमेन, हालेलुया। आप जो घोषणा करेंगे अपने परिवार के ऊपर वो होगा, अपने बच्चों के ऊपर होगा, अपने परिवार के ऊपर होगा, अपने परिस्थितियों के ऊपर होगा। आमेन, जो कुछ आप घोषणा करेंगे होगा। आमेन। लेकिन कैसे रहना? अपने बात पर बेधड़क, निडर, बेखौफ, जो बोला मतलब बोला। आमेन, ये एटीट्यूड रहना है फिर। हाँ, जो लिख दिया सो, जो बोला मतलब बोला, बस एक राजा के समान। आपकी बात हाँ कि हाँ और नहीं कि नहीं, बदलना नहीं है, बोला मतलब बोला। हाँ, अगर आपके बोलने के बाद परिस्थिति उल्टा आ गया, अरे अभी तो बोला था, फिर बोला मतलब बोला, बात खत्म, बस। आमेन। परिस्थिति जाके फिर हिलाना नहीं आपको, ठीक है? प्रोफेसी में ही होती, जो कुछ बोला गया है बोला गया, सील। ऐसा बोलो कि मतलब सील लग गया हो। आमेन। छाप लगा दियो। छाप लगाने के बाद बदल सकते हैं? तो एक भविष्यवक्ता जो होता है, एक भविष्यवाणी जो करता है, उसका बाद भी हाँ कि हाँ, ना कि ना, सील मतलब सील, बस। हिलेला डोलेला नहीं होता है। बोला मतलब तूफान आने तो तूफान, अपना क्या है, लेकिन जो बोला वो बात पूरा होकर ही रहेगा, बस। आमेन। ये गुण है एक भविष्यवाणी करने वाले का, एक नबी का। आमेन। तो याद रखें, हम सब नबी हैं। आमेन। क्या हो? विश्वासी नहीं, विश्वासी मरेंगे सिर्फ, मार खाएंगे, लेकिन नबी, नबी मौत को निकल जाएंगे। आमेन। तो इसलिए आपको ध्यान देना, विश्वासी बनना है या नबी बनना है? देखो, विश्वासी बनोगे तो पटके जाओगे, लेकिन नबी बनोगे तो राजा के सामने भी खड़ा होना पड़ेगा। आमेन। राजा भी पूछेगा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। आमेन, हालेलुया। इसलिए इस फर्क को समझ लें, या तो विश्वासी के लेवल में बैठे रहो नर्सरी में, या तो नबी बनो, दोनों में से एक काम। इसलिए इस बात पर शक नहीं करना है, संदेह नहीं करना है, जिस पर परमेश्वर का आत्मा है वो नबी। आमेन, आमेन। और ये सर्टिफिकेट आपको कौन देता है? परमेश्वर का वचन, लिखा है, दैट्स इट, लिखा है, दैट्स इट। आमेन। आइए प्रार्थना करें, आइए प्रार्थना करें। कुछ समय अभी देखिए, हम प्रार्थना करेंगे ना। अब यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो भविष्यवाणी नहीं करेगा, सब भविष्यवाणी करेंगे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, विश्वास ही नहीं आता। आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, वो प्रोफेसी है। आमेन। वो प्रोफेसी है जो आप परमेश्वर के लिए गुणानुवाद कर रहे हो। ध्यान देना, जब आत्मा आया तो पहली बात वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे, और एक जगह लिखा भविष्यवाणी नहीं लिखा, एक जगह लिखा वो कि वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे, प्रेरित 10 में। तो जब आत्मा आप पर आता है, सामर्थ पाते हैं, तब आप ऐसी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं जो प्रॉफिटिक होता है, जो आपने कभी नहीं किए, तो ये भविष्यवाणी का हिस्सा है। आमेन। आइए हम कुछ समय उठें, आइए हम कुछ समय भविष्यवाणी करेंगे। सो बहन उपासना आइए, फिर थोड़ा इसको पीछे कर दो भैया थोड़ा सा। सो भविष्यवाणी करने का है, समय है, सब भविष्यवाणी करेंगे इस साल के होने वाले इलेक्शन पर, हमारे देश के ऊपर, हमारे परिस्थिति के ऊपर, जो भी परिस्थिति में आप हैं, बागडोगरा प्रेयर सेंटर के विषय में, अपने जीवन के विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपना जमीन घर सब चीज़ों के विषय में, आप जो भविष्यवाणी करेंगे वो आप रिसीव करेंगे। आमेन।
सुनिएगा, आपका जो वचन है वही बिल्ड करता है, निर्माण करता है। जो आप बोलेंगे वही निर्माण होगा, आमेन। जो आप बोलेंगे वही निर्माण होगा, आमेन। आइए हम कुछ समय अपने मन को खोलें, ये समय भविष्यवाणी का। जो पीछे हैं थोड़ा सामने आ जाइए, एकदम दीवार के साथ मत चिपके रहिए, सामने सामने हो जाइए थोड़ा सा। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, होली गोस्ट रजिटाराबा शाटाराबा रेजेट है, परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में। मैंने कहा भविष्यवाणी करेंगे, रेजेट है रीमा नाराजी अठाराबा हो। थैंक इट माई ब्रदर एंड सिस्टर, द फ्रेश वाटर, वाटर ऑफ होली स्पिरिट, लिविंग वाटर ऑफ होली स्पिरिट ठहरा दू या शाचाराबा हे राबा शेठैया Jesus, prophesy, prophesy, prophesy. Hey, yes. Prophesy, my brother and sister. Prophesy, Rasha Tarabu. Prophesy, prophesy, prophesy. भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो, राका चारा बो जेठे, भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो, ओ, हे राबाबा शेठे, हे, ओ राबाबा शेठे, चारा बो, हे राका चारा बो शेठे। भविष्यवाणी करने की आत्मा, नबुवत की आत्मा हमारे बीच में है। भविष्यवाणी करो अपने परिवार के ऊपर, अपने परिस्थिति के ऊपर, भविष्यवाणी करो। ओ शाठाराबो रेजेठे हे राका ठाराबो शेठे रे बाबा 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 रे माना रजिया ठाराबो रेजेठे Re ba 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 shete. No more death in the name of Jesus. No more death in the name of Jesus. मैं मृत्यु की आत्मा को आज्ञा देता हूं. No more death in the name of Jesus. No more death in the name of Jesus. मृत्यु की आत्मा को, डर की आत्मा को यीशु के नाम से मैं डांटता हूं। कम आउट, कम आउट, कम आउट। डर और मृत्यु की आत्मा, डर और मृत्यु की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं। कम आउट। हे राबो शेठे रजिया थाराबो fear, no more fear in the name of Jesus. Boldness की आत्मा को receive करो, boldness, प्रभु आपको बेधड़क बनाएगा, हे राशा चारा वो बेखौफ बनाएगा, निडर बनाएगा यीशुआ के नाम से, हे प्रभु शेठे भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो। यदि आप बोलते हैं मेरा पति उद्धार पाएगा तो ये भविष्यवाणी है, मैं गरीबी में नहीं रहूंगा ये भविष्यवाणी है, मेरे बच्चे टॉपर होंगे ये भविष्यवाणी है। राजा थारा वो शेठे
रिमाना राबा बाबा बाशे थे राखा था रबो रिबा बाबा बाबा बा रिजातिया रबो रशा था रजिया था रबो रिमाना रजिया था रबो राखा था रबो रिबा बाबा बाबा बाशे थे रिबा रजिया था रबो रिमाना 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 रजिया था रबो रजिया था रबो रजिया था रबो रमाना रजिया रोजोतो रशा था रबो राखा था रजिया था रबो रिबा शा था रिजा था रबो राखा था रजा था रिबा बाबा बाबा बाशे थे रिमाना रजिया रजे थे राखा था रबो रिबा बाबा बाबा बा रिबा शा था रोजोतो राखा था रजे थे रिमाना रजिया था रबो ओ रबो शा था राखा था रबो शे थे Shahila! Raise it here! Take it, the fire of God! Take it, the fire of God! Take it, the fire of God! Hey, Parabu Shethi! Oh! Pavitra Atma mujhe keh raha hai, tumhare hothon mein jeevan aur mrityu hai. Hey, Parabu Shethi! Pavitra Atma keh raha hai, tumhare hothon mein jeevan hai, mrityu hai. तुम जो रिलीज करोगे रिलीज होगा ए! रिलीज करो अपने होठों से जीवन को हे बाराबो शाटा तुम्हारे होठों में जीवन है और मृत्यु है ओ तुम मृत्यु को भी कैंसिल करोगे हो जाएगा हे मौत को भी कैंसिल करोगे हो जाएगा ए! मैंने कहा तुम मौत को भी कैंसिल करोगे तो हो जाएगा क्या आंधी और तूफान क्या आंधी और तूफान मैंने कहा मौत को कैंसिल करोगे हो जाएगा क्या आंधी और तूफान मैंने कहा मौत को कैंसिल करोगे हो जाएगा ओ ए हे हे बारा बा 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 ओ Hey, Bara Baba 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 Shete. Take it. Oh, oh, Baba 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 Shete. I speak life in the name of Jesus. No more death. No more death in the name of Jesus. I speak life, 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 life. Oh, in the name of Jesus. Jesus. आराधना करो आराधना करे आराधना करे राखा ठारा बोशे थे पवित्र आत्मा हमारे बीच में है पवित्र आत्मा हमारे बीच में है भविष्यवाणी करो रेज थे रिमाना रजिया ठारा बो राखा काका शो छे रिमा राखा काकर रजिया ठारा बो Re ba 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 shethe. Ila raziya rabu. तुम्हारे वचन तलवार के समान है मैंने कहा तुम्हारे वचन तलवार है तलवार तुम्हारे वचन तलवार के समान है तलवार के समान तेज है तुम्हारे वचन ओ तलवार के समान तलवार के समान तुम्हारे वचन तलवार के समान है रबो शेठ है रिजा था रबो ओ रबा बाबा बाबा शाठा रिसीव कर अपने हाथ को उठाओ अपने हाथों को उठाओ और रिसीव करो परमेश्वर की आग को बच्चे भी अपने हाथों को उठाओ रिसीव करो परमेश्वर की आग को रिसीव करो द फायर ऑफ गॉड द फायर ऑफ गॉड द फायर ऑफ गॉड द फायर ऑफ गॉड रिसीव करो रिसीव द फायर ऑफ गॉड टेक इट टेक इट take it the fire of God take it the fire of God the fire of God take it
थैंक इट, थैंक इट, थैंक इट, थैंक इट। ये आपका समय, टेक इट। हे बा 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 शेठे, ओ हा 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 हा, शाखा थारा बोल सेठे, री बा 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 शेठे, जीसस 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 मैनिफेस्ट, जीसस You are here. The Lord Jesus is here. Hey, I open your eyes to see Jesus. आप यीशु मसीह को देखोगे. मैंने कहा आप यीशु मसीह को देखोगे. आप यीशु मसीह को देखोगे. जाता रहो. You will see Lord Jesus Christ. Jesus. Jesus, 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 receive karo. Jesus, Jesus, oh, ah, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, oh, Shatarabu. Ah, ah, Shatarabu. Come, Marabu Shete. Zitarabu Shete. Thank you, Jesus. Hey. प्रभु का आत्मा हमारे बीच में, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में, I speak fire of God in your life in the name of Jesus. I speak fire of God. Take it, the fire of God in the name of Jesus. Hey, feel Holy Spirit. Feel her heart and mind with fire. Oh, Holy Spirit. Feel her mind and heart with fire in the name of Jesus. Feel her life, feel her body with fire. Lord Jesus, touch her life.
feel her life. Hari Ramana, take it. The anointing of the Holy Spirit. Take it, 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 the Holy Spirit. The Lord says to you, take it, my Holy Spirit. Lord Jesus, give her the spirit of boldness. Boldness, निडरता की आत्मा दे, हिम्मत की आत्मा से भर दे, प्रभु भर दे निडरता से, शेर के समान रा, हे या, शेर के समान निडर होकर चलने के लिए मैं आज अभिषेक करता हूं. You are anointed. I bless you in the name of Jesus. 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 No more death in the name of Jesus. I bless you in the name of Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Hey, धन्यवाद करें. He is here. प्रभु हमारे बीच में. He is here. आज प्रभु को महिमा देने वाला कोई नहीं है. जैसा प्रभु को महिमा देना चाहिए आज देने वाला कोई नहीं है. प्रभु ने इस कलीसिया को चुना है ताकि हम प्रभु को महिमा देने वाले बने. प्रभु अपनी महिमा चाहता है. प्रभु कहता है कि मेरी महिमा को लोग आज सेवकों को दे रहे हैं. ये कलीसिया जो मेरी महिमा करती है मैं इसे महिमा से भरूंगा. थैंक यू मास्टर. आई वर्शिप यू इन द नेम ऑफ जीसस. धन्यवाद प्रभु फिर से एक और बार हमें अभिषेक करने के लिए, हम पर अनुग्रह करने के लिए, इस प्रोफेटिक डिक्लेरेशन के लिए, प्रोफेटिक टाइम के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु. धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमें तृप्त करने के लिए, समय तृप्त करने के लिए, हमें तृप्त करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं. हे पिता धन्यवाद. तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, मसीह यीशु के नाम से. आमेन आमेन. हालेलुया. सो ये ऑफरिंग का समय, हम सीधा ऑफरिंग की ओर जाएंगे.